जी पर हमें यहाँ पर अब देखिए सवाल ये उठता है और स्टूडेंट पूछते भी है कि शुभ शुभ कौन, क्या नैसर्गिक शुभ ग्रह की बात हो रही है या जी यहाँ पे कुंडली के शुभ ग्रह की बात हो रही है, फंक्शनल बेनिफिशियल जी फंक्शनल बेनिफिट की बात हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी का कर्क लगन है और मंगल वक्री है, अब जी उसे हम शुभ मानते हैं, फंक्शनल बेनिफिट है उस कुंडली में, जी उसका वक्री होना शुभ है या कुंडली में शुक्र बुध और गुरु का वक्री होना शुभ है। तो जहां तक अनुभव में आया और जहां तक मुझे मेरे गुरुओं से ज्ञान मिला है, उसके अनुसार कुंडली का फंक्शनल बेनिफिट होना यहाँ पर उसका उससे अभिप्राय है कि अगर आपकी कुंडली में वो अच्छे भावों का स्वामी बन रहा है तो वक्री हो तो बहुत अच्छे परिणाम देगा, चाहे वो भाग्येश बनकर हो, चाहे वो पंचमेश बनकर हो, चाहे वो लग्नेश बनकर ही क्यों ना। जी यानी कुल मिलाकर के परिणाम ग्रहों की अवस्थिति पर या उनके प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, उनके वक्री और वक्री फल और क्रूर या शुभ होने पे। तो अगर हमारी कुंडली के अनुसार अगर ग्रह शुभ है तो वक्री होकर के शुभ परिणाम देंगे, या मतलब यह नैसर्गिक शुभ और अशुभ होने से कोई इसका संबंध नहीं है। कोई उसका संबंध नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल चार्ट से जी समझाता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही अभी कहने जा रही थी कि अगर उदाहरण सहित अगर व्याख्या करें तो ज्यादा उचित होगा। जी 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 तो ये कुंडली है 25 नवंबर 1975 की और जी जन्म समय है सुबह के 4:50 जी और जन्म स्थान है नरवाना हरियाणा। तो इस जातिका का लगन अगर आप देखेंगे तुला लगन की पत्रिका है जी और इस तो कुंडली में शनि वक्री है। पहले शनि से बात करते हैं क्योंकि कुंडली में ग्रह तो 5 वक्री है, लेकिन हम बात शनि से स्टार्ट करते हैं। शनि वक्री होना मतलब इस कुंडली के लिए चतुर्थेश और पंचमेश का वक्री होना। जी बिल्कुल अगर पंचमेश किसी की पत्रिका में वक्री है तो हम कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति की संभावनाएं बहुत प्रबल है, संतान अवश्य होगी। ठीक है, अगर पंचमेश वक्री है तो संतान प्राप्ति की जो जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। जी चतुर्थेश वक्री है तो चौथे भाव के फल बढ़ जाएंगे। इसका अर्थ है कि प्रॉपर्टी की बात करें, व्हीकल की बात करें या घर के सुख शांति की बात करें, वो ज्यादा प्राप्त होंगे। जी ठीक है, अच्छा। लेकिन वक्रत्व, तो ये वक्री ग्रह दशम भाव में जी दशमेश के साथ बैठा है जी और वक्री ग्रह अनस्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, ओके तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रोफेशनली इट मे क्रिएट सम इशू, कार्य क्षेत्र में परेशानी आए, व्यवधान आए। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूं कि चतुर्थ भाव और पंचम भाव के बुरे परिणाम मिलेंगे, उसकी संभावनाएं नहीं है। ठीक है, अब जी इसी कुंडली में अगर मैं कहूं सप्तम का स्वामी मंगल भी वक्री है जी हाँ और वो कुंडली में धन भाव का भी स्वामी है, तो जी एम्पल अमाउंट ऑफ वेल्थ या मैं कहूं आर्थिक दृष्टिकोण से कुंडली अच्छी हो गई जी और साथ ही साथ में सप्तम भाव जो जीवन साथी का है, जीवन जी साथी के व्यवहार में थोड़ा एडमेंट बिहेवियर हो गया, क्योंकि जब जिसका लग्नेश वक्री हो जाए, जिस भाव का स्वामी वक्री हो जाए, उसके स्वभाव में थोड़ा सा अखड़पन आ जाता है या यूं कहें कि वक्रत्व आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट हम ये कह सकते हैं कि अच्छा जीवन साथी, स्ट्रॉन्ग जीवन साथी, माफ कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग जीवन साथी और आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी अच्छा कॉम्बिनेशन ही बना अगर मंगल वक्री होकर बैठा है। ठीक है, जी अच्छा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर गुरु भी वक्री है, जी गुरु कुंडली में तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। ऐसी स्थिति में जो पराक्रम है या जो एफर्ट है वो व्यक्ति को ज्यादा करने पड़ेंगे, रोगों की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जी ठीक है, तो यहाँ पर गुरु का वक्री होना अच्छा नहीं है और शनि का वक्री होना और मंगल का वक्री होना हम इसको इसको फिर भी शुभ मानते हैं, क्योंकि शनि इस कुंडली के लिए जैसे मैंने कहा कि योग कारक ग्रह है, कुंडली में अच्छे बिल्कुल भावों का स्वामी बनता है, यदि वो वक्री है तो उन भावों के फल में वृद्धि कर देगा। जी आप कुछ पूछना चाहें इसके बारे में? सर, जैसे मंगल के बारे में मुझे ये पूछना है कि मंगल इसमें वक्री है, मंगल वक्री होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं जी जी, और वो भी अपने शत्रु बुध की राशि में। तो हाँ जी सर हाँ, तो इसमें और ये जो है द्वितीयेश यानी धनेश और सप्तमेश के स्वामी भी है, तो सर हाँ जी इससे जैसे कि तो मंगल देखा जाए तो तुला राशि में इतने योग कारक नहीं होते, बिल्कुल नहीं अगर होते, बिल्कुल यो कहीं ना कहीं मारक भी होते हैं, ताजी हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल मारक होते हैं। मारक भी होते हैं। सॉरी सर, अभी तो मैं सीख रही नहीं हूँ नहीं मैं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, जी। है ना।
तो सर अगर ये मारक ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उसका क्या परिणाम आता है कुंडली में? कहीं जीवन साथी के जिंदगी को कोई खतरा होता है या खुद की नहीं, जिंदगी नहीं, में नहीं, नहीं। खतरा होता लाइफ है? पार्टनर को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो नवम भाव में बैठा है तो पिता के लिए वो अच्छा नहीं है। आपने जी बात पूरी भी कर दी, आपने ये भी कहा कि मंगल यहाँ पे मित्र राशि में नहीं है। जी हाँ, शत्रु यहाँ राशि एक बात और बोलूंगा, मेष लगन के लिए शुक्र और तुला लगन के लिए मंगल, जी दोनों कुंडली में सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड एक ही ग्रह बनता है। जी हाँ तो जो आपने कहा बिल्कुल सही है, दोनों मारक भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो गया। ऐसी जी स्थिति में वो जिस भाव में बैठता है वहां पर एक कंसर्न तो डेवलप कर ही देता है कि इस रिश्तेदार के साथ या परिवार में सदस्य के लिए कोई परेशानी, कोई आयु को खतरा तो नहीं है, ठीक है। और उसको जी उसको कंफर्म करने के लिए फिर हमें नाइन्थ लॉर्ड, क्योंकि इस कुंडली में नाइन्थ हाउस में है तो नाइन्थ लॉर्ड की पोजिशन देखनी होगी। अगर वो वेल जी प्लेस्ड है तो हम ये कहेंगे पिता पर कष्ट नहीं है, तो वो कष्ट छोटा मोटा ही होगा और उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं बुध भी पीड़ित है तो पिता के सेहत के लिए ये मंगल की यहाँ बैठना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं माना जाएगा। तो मतलब यही मेरे पूछने का अर्थ यही था कि वक्री ग्रह अगर मारक भी हो तो उनके भयंकरता या उनकी बुराई में मतलब वृद्धि तो नहीं हो जाती, मेरा ये देखो, पूछना इजाफा होता है उसके फल में, इजाफा होता है। अगर वो मार्केश है तो मार्केश के फल में इजाफा होगा, ठीक है। था। और यहां मैं इसको और सिंप्लीफाई अगर करूं तो मैं ये कहूंगा, जिन भावों का वक्री ग्रह स्वामी बनता है उन जी भावों की वृद्धि होती है, और जिस भाव में वक्री ग्रह बैठ जाता है उस जी भाव में कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी और हानि। परेशानी क्रिएट करता है। तो चलिए सर, एक तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये दूर हुआ वक्री ग्रह को लेकर के, कि अगर किसी जिन भावों के स्वामी वक्री ग्रह अगर शुभ स्थानों पे बैठे हैं, अच्छे स्थानों पे बैठे हैं, तब तो उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर अशुभ स्थानों पे बैठे हैं तो उसका उसकी नेगेटिविटी और उभर करके आएगी, बिल्कुल, है ना अगर आपकी कुंडली में त्रिक भाव के स्वामी यदि वक्री है, यानी छह जी? आठ बारह के स्वामी यदि वक्री है तो वक्री थोड़ा है सा चैलेंजिंग होगा। और ज्यादा। यदि आपकी हाँ कुंडली में लग्नेश वक्री है तो जी आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके जीवन साथी को टेंशन होगी आपको सर, लेकर। एक प्रश्न और था कि इसमें जैसे कि हम अभी ये कुंडली यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे शनि की वक्री शनि की पोजीशन कर्क राशि में है और चंद्रमा के साथ है, ठीक है? तो प्रायः शनि और चंद्रमा जब बैठते हैं तो कहते हैं कि विष योग होता है, बिल्कुल, तो वक्री ग्रह क्या योगों को बढ़ाने, इंटेंसिटी योगों की इंटेंसिटी बढ़ाने और घटाने में क्या कोई रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और जी इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें उन ग्रहों की डिग्री पे जाना पड़ता है। अगर मैं कहूं कि जैसे आपने कहा शनि चंद्रमा का उस कुंडली में योग है, जो कुंडली अभी स्क्रीन पर नजर आ जी रही है, उस पर यदि हम ध्यान देंगे तो शनि की डिग्री कम है और चंद्रमा की डिग्री ज्यादा। ऐसी स्थिति में जी शनि वक्री होने की वजह से चंद्रमा के पीछे समीप नहीं जा रहा, चंद्रमा से पीछे हट रहा है। हट रहा है जी। तो इसमें ये जो विष योग वाली जो क्राइटेरिया था वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, वो थोड़ा कम असरदार होगा। अगर कहीं शनि की डिग्री ज्यादा होती और तब जी चंद्रमा उसकी ओर बढ़ रहा होता और शनि वक्री होके आ रहा होता तो स्थिति भयावह हो सकती थी, ज्यादा चैलेंजिंग होती। और एक बात और मैं यहाँ कहूंगा कि वक्री ग्रह जिस भी योग में इन्वॉल्व होंगे उस योग के फल को बढ़ा देंगे। हाँ, ये जी यही मेरा प्रश्न था, मुख्य प्रश्न तो यही था कि वक्री ग्रह का क्या रोल है उसको, और लेकिन यहाँ पे हमको डिग्री भी कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ बिल्कुल, कि कहाँ वक्री हो रहा है, अगर वो अब वक्री कहाँ होकर पे। वापस आ रहा है तो फिर बात अलग है। मैं यहाँ एक चीज और बोलूंगा, प्रश्न जी शास्त्र जो हम होरारी जिसे बोलते हैं उसमें जी अलग अलग योग बनते हैं जिन्हें ताजिक योग कहा जाता है, उनमें हम देखते हैं अगर ग्रह वक्री हो जाता है ना तो बढ़िया से बढ़िया योग फेल हो जाते हैं। ओके क्यों? अगर उनकी डिग्री कम हुई या मतलब जो ग्रह मिलने से पहले अगर वक्री हो गया तो स्थिति में कमी आ गई, और अगर वो मिलने की ओर मतलब वापस शनि चंद्रमा की ओर, इसी केस को ले लेते हैं, वापस जी शनि चंद्रमा की ओर आ रहा होता तो वो जो मिलन है वो थोड़ा और जल्दी होगा, राइट। तो उसको हम ज्यादा अच्छा मानते हैं। चलिए, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ग्रहों को वक्री मतलब कब कब होते हैं, किस समय वक्री होते हैं, या सूर्य से कितने डिग्री की डिस्टेंस पे अगर वो आए तो उन्हें वक्री समझो?
देखिए, जहां तक सूर्य से दूरी की बात है, तो पहले हमें ग्रहों को दो ग्रुप में क्लासिफाई करना होगा। जो इंटरनल प्लैनेट है शुक्र और बुध, और जो बाह्य ग्रह मंगल गुरु और शनि, इन दोनों को वक्रत्व देखने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, मंगल गुरु और शनि का वक्रत्व देखना काफी आसान है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, किसी भी कुंडली में सूर्य से पंचम भाव से अधिक दूरी पर अगर गुरु मंगल या शनि बैठे हैं तो वो वक्री होंगे। रिपीट, अगर किसी कुंडली में सूर्य से पंचम भाव से अधिक दूरी पर गुरु मंगल और शनि बैठे हैं तो वो वक्री होंगे, और नाइन्थ हाउस तक वो वक्री रहेंगे। अगर नाइन्थ हाउस से कम डिफरेंस आ जाए तो वो उनका वक्रत्व खत्म हो जाता है। उदाहरण कुंडली में ही समझिए, जो कुंडली मैंने अभी बोर्ड पर आपके सामने आप देख पा रहे हैं, जिस कुंडली को, उस कुंडली में यदि हम ध्यान दें तो सूर्य जो है वो सेकेंड हाउस में है और गुरु सूर्य से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे कहा कि पंचम भाव से गुरु वक्री होना आरंभ होते हैं, तो गुरु वक्री है। उसी तरह यदि हम सूर्य से अष्टम भाव पे ध्यान दें, वहां पे मंगल है, तो इस वजह से मंगल भी वक्री है। और सूर्य से नाइन्थ हाउस में शनि है, तो शनि भी वक्री है। तो कुंडली में वक्री ग्रह देखना आसान है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब भी गुरु मंगल और शनि यदि सूर्य से 5 से लेकर 9 भाव की दूरी के मध्य हो, तो उनके वक्री होने की संभावना होती है, अन्यथा नहीं, अन्यथा वो वक्री नहीं होते। और ये प्रिंसिपल बुध और शुक्र पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि बुध शुक्र हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं। उनका वक्रत्व तो बिना चार्ट या पंचांग देखे बताना मुश्किल है, लेकिन गुरु मंगल शनि का वक्रत्व तो बताना बहुत आसान। अच्छा सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रश्न में पूछने जा रही हूँ कि शायद हो सकता है इसका उत्तर कुछ विस्तार में ही हो, कि वक्री ग्रहों का फलित कैसे करें, इसका फलित करते समय हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, कौन से पॉइंट्स को ज्यादा कंसीडर करना चाहिए। जी, देखिए जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले जब कभी भी कोई ग्रह वक्री हो तो ये देखिए वो किन भावों का स्वामी है। यदि उसने आपकी पत्रिका में अच्छे भावों का स्वामित्व लिया हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उस भाव के फल की वृद्धि होगी। दूसरी चीज हमें ये देखनी चाहिए कि वो ग्रह वक्री कौन से भाव में हुआ है। तो यदि जिस भी भाव में वक्री ग्रह होंगे, उस भाव के फल मिलने में स्टेबिलिटी नहीं आती, उसमें आप कह सकते हैं अप्स एंड डाउन ज्यादा आते। यानी मान लीजिए दशम भाव में वक्री ग्रह है तो करियर में उतार चढ़ाव, अगर सेकंड हाउस में वक्री ग्रह है तो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव। क्योंकि जिस भाव में वक्री ग्रह बैठता है वहां पे आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी कम देता है, ठीक है, अनस्टेबल कर देता है उस भाव को। जी सर, अभी आपने बताया। पहली चीज किस भाव का स्वामी है, दूसरी बात वो किस भाव में बैठा है, तीसरा जिन योगों में वो इन्वॉल्व हो रहा है उन योगों को और पुख्ता कर रहा है या उन योगों से वो अपने आप को विदड्रॉ कर रहा है। तो ये से है जो वक्री ग्रह के समय हमें ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। तो सर, अब आज की इस चर्चा का मैं एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रही हूँ कि प्रायः वक्री ग्रह के रत्न धारण को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि वक्री ग्रहों के रत्नों को धारण नहीं कराना चाहिए, कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि नहीं, वक्री ग्रह के रत्नों को धारण करवा सकते हैं। तो सर, इस बारे में आपके क्या विचार है, आप किस प्रकार से इसको बताना चाहते हैं? देखिए, इस पे बहुत ज्यादा मतांतर है, ठीक है, लोगों का अपनी अलग अलग ओपिनियन है। और कुछ लोग कहते हैं नीच ग्रह के स्टोन नहीं पहनने चाहिए, कुछ मानते हैं कि वक्री ग्रह के नहीं पहनने चाहिए। पहली बात, जेम स्टोन पहनने के क्राइटेरिया में हमें ग्रह का बल निकालना होता है, ठीक है, और उस बल को निकालते वक्त अगर कई बार वक्रत्व के कारण बल मिल रहा है, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, तो उसका स्टोन पहनाया जा सकता है। मतलब मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर मेरा उत्तर भी कोई बहुत ज्यादा व्यूवर्स को शायद पसंद ना आए, क्योंकि मैं बिना पत्रिका देखे जेम स्टोन रिकमेंड करने में मतलब मुझे मुश्किल आती है। और मैं बस ये कहूंगा कि वक्री ग्रह के स्टोन कई स्थिति में पहने जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर समय वो नुकसानदायक। बस मेरा यही प्रश्न था कि रत्न धारण हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वक्री ग्रह खुद अपने आप में कंफ्यूज होते हैं, तो उसके ग्रह उसके स्टोन आप पहनेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये ऐसा ऐसा सुनने में आता है। अच्छा, आप ही मुझे बताइए ऋचा जी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वक्री ग्रह के फल ज्यादा मिलते हैं, है ना, हमने ये बात अभी कही, फिर हमने कहा जिस भाव में वो बैठता है वहां पे अप्स एंड डाउन ज्यादा देता है। हाँ, तो वक्री ग्रह का रत्न पहनने से होगा क्या कि जिन भावों की वो वृद्धि कर रहा है वहां तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही,
लेकिन जिस भाव में बैठकर वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उस भाव के लिए वो स्टोन पहनना कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उस पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, थोड़ा रिस्की है। इस वजह से लोग कहते हैं कि वक्री ग्रह के स्टोन नहीं, तो उनको अवॉइड ही कर रहे हैं, तो अवॉइड करिए पूजा ऐसा बोलते हैं। हाँ, लोग अवॉइड करते हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं यही बोलूंगा कि पत्रिका में उसकी प्लेसमेंट देखे बगैर ये कह देना कि वक्री है इसलिए स्टोन नहीं पहनना, ये गलत बात। तो सर आज हमने वक्री ग्रह के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की और बहुत सारे प्रश्नों का, बहुत सारी जिज्ञासाओं का आपके माध्यम से हमें समाधान भी मिला। उम्मीद है दर्शकों की बहुत सारी प्रश्नों का समाधान मिला होगा। तो सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, और हाँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आज आपने देखा कि वक्री ग्रह का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारी कुंडली पर क्या उसका असर पड़ता है, और आशा करती हूँ कि आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर पुश करिए ताकि नियमित रूप से आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमारी किसी वीडियो से वंचित ना रह जाए। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, अगले बार ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को लेकर मैं पुनः हाजिर होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।